गाइस वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बिलिंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 इकोसिस्टम। आज का टॉपिक रहेगा बस इंट्रोडक्शन और द करैक्टरिस्टिक ऑफ द इकोसिस्टम। अब जानते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। जो इकोसिस्टम है वो है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि अगर एक और ये सपोज ह्यूमन बींग है, दूसरे ह्यूमन बींग से इंटरेक्ट है, साथ ही साथ सराउंडिंग से जितने भी हैं उससे वो इंटरेक्ट रखता है बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट। साथ साथ कैसे कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये ग्रास है, ठीक है, ग्रास ए, ये किसके, जो ग्रास है वो किस कौन खाता है ग्रास को, सपोज कैटरपिलर। कैटरपिलर आर ईटन बाय द बर्ड, बर्ड को थोड़ा बिग बर्ड खाता है, मीन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट है गाइस, ठीक है। ये इंटर रिलेशनशिप बिटवीन है, इसे इंटरेक्शन बोला जाता है, ठीक है। सपोज ए खा रहा है बी को, बी खा रहा है सी को, सी खा रहा है डी को, ई देन ई सी को भी खा रहा है। ये बोलता है कि फूड वेब, इसको बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें प्रोडक्टिविटी होता है, एनर्जी लॉस भी होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे 10% लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से खाता है तो इसको बोलते हैं फूड चेन या फूड वेव, ठीक है। अब इसी में एग्जांपल होते हैं जैसे कि बायोस्फीयर। बायोस्फीयर भी टू टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक, और जो मेन मेड है वो है क्रॉफिल्ड एक्वेरियम। मीन्स इसमें जितने भी हैं, या टेरेस्ट्रियल हो, एक्वेटिक हो, या क्रॉफिल्ड या एक्वेरियम, ये सारे बायोस्फीयर हैं और सब के अंदर एक इकोसिस्टम आता है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल के अंडर में क्या आता है, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। एक्वेटिक के अंदर आता है सी और लेक, पॉन्ड, और मेन मेड क्या है, जो हम इंसान बनाते हैं, जैसे कि क्रॉफिल्ड, क्रॉफिल्ड खेत, और एक्वेरियम ऑल यू नो, सबको पता होगा। तो ये सब ये है बायोस्फीयर, ठीक है। अब इसमें आता है मेन पॉइंट है एंड नेचर ऑफ साइज वारीज। अब कैसे साइज वारी करते हैं, तो गाइस सब में साइज अलग अलग होता है। ईच एंड एवरी इकोसिस्टम हैव डिफरेंट साइज। जैसे कि पॉन्ड हो गया, पॉन्ड मतलब तालाब, ठीक है, तालाब, सी फॉरेस्ट। जो तालाब है वो समुद्र के मुकाबले बहुत छोटा है, उसका इकोसिस्टम बहुत छोटा है, किसके मुकाबले, सी या फॉरेस्ट के मुकाबले। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, ठीक है। अब क्या होता है, जो इंटरेक्शन है ये बायोटिक और एबायोटिक का होता है, ठीक है। एनसीईआरटी से हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन इन एबायोटिक एंड द बायोटिक, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। जो इंटरेक्शन है बायोटिक का एबायोटिक का, वो इकोसिस्टम में इंटरेक्ट करता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एनिमेशन ऑफ द प्लांट एनिमल स्पीसीज इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीसीज कंपोजिशन। वो कितने स्पीसीज को कंपोजिशन करता है। अब हम जानते हैं स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन ये है, सेकेंड पेज, व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्लांट्स, श्रब्स एंड हर्ब्स, ठीक है। जो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो लेयर में रहते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्लांट होता है, ठीक है, ट्री, सॉरी प्लांट नॉट ट्री, आई एम सॉरी दैट इज माय मिस्टेक, ट्री, उसके नीचे श्रब्स होता है, उसके नीचे हर्ब्स होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। और गाइस ये क्वेश्चन ना 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन। इसका सिंपल आंसर है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द डिफरेंट ऑक्यूपाइड डिफरेंट लेवल ऑफ ट्री ऑक्यूपाइड टॉप लेवल। जो ट्री है वो टॉप लेयर को करेगा, उसके बाद है फॉरेस्ट,
फॉर जो श्रब्स है वो सेकंड है, ट्री इन द फर्स्ट टॉप लेयर, ठीक है टॉप, उसके बाद जो श्रब्स है वो सेकंड, उसके बाद जो सेकंड में श्रब्स भी आता है और हॉप्स भी आता है, और जो सबसे बॉटम लेवल में होता है ना वो ग्रास है, बॉटम लेवल वो है ग्रास। गाइस आप लोगों को ये स्ट्रेटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब होता है कि मेन फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम में, इसमें फोर टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी, सेकंड है डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड है एनर्जी फ्लो, एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रिएंट साइकिल। अब हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है पॉन्ड का, ठीक है। सपोज ये एक पॉन्ड है, अब पॉन्ड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, जो प्लांट्स है वो है प्रोडक्टिविटी, और इसमें जो जू प्लैंकटॉन्स है ना, जू प्लैंकटॉन्स हो गया, फाइटो प्लैंकटॉन्स हो गया, ये सारे के सारे प्रोडक्टिविटी हैं। तो प्रोडक्टिविटी का ये डेफिनेशन कंप्लीट हुआ यहां से, ठीक है। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए हमारे पास रहते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। मींस अब क्या होता है डिकम्पोजिशन का, हमको इससे जरूरत पड़ता है, जैसे कि अगर प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, वो डेड हो गया, ठीक है, डेड हो गया तो वो नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं तो उनमें जो कंपाउंड्स प्रेजेंट रहता है ना, उसको जो बैक्टीरिया और फंजाई उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो कैसे होगा, जैसे कि जूप्लैंकटॉन्स है, ये इटन बाय फाइटोप्लैंकटॉन्स, इज इटन बाय फिश, देन बिग फिश, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी फ्लो हो रहा है कि नहीं, जूप्लैंकटॉन से फाइटोप्लैंकटॉन्स, फाइटोप्लैंकटॉन से फिश, देन बिग फिश, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो होते जा रहा है। अब न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है, अब जितने भी अगर ऑर्गेनिज्म डेड होते जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स प्रोड्यूस करेंगे, इसके कारण क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल इंक्रीज होते जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फर्दर समराइज करते हैं इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट है नेचर का, ठीक है। इसमें पहला इंटरेक्शन होगा, हर ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिजिकल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं बाय द एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। उसके बाद बायोस्फीयर में टू टाइप्स के रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, और मेन मेन में होता है क्रोफिल्ड और एक्वेरियम, ठीक है। टेरेस्ट्रियल के अंडर में क्या आता है, फॉरेस्ट आता है और ग्रास लैंड आता है, एक्वेटिक के अंदर सी, लैक्स, पॉन्ड आते हैं, और जो मेन मैंड है वो है क्रॉफिल्ड, खेती है, और एक्वेरियम जो हमारे अपने घर में रखते हैं, ठीक है। अब इससे जैसे कि अब इसका नेचर ऑफ साइज वारिस, नेचर ऑफ साइज वारिस इसलिए करते हैं क्योंकि जो पॉन्ड्स हैं और सी और फॉरेस्ट, ठीक है, जो पॉन्ड है वो सी और फॉरेस्ट के मुकाबले बहुत छोटा रहता है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम फूड चेन या फूड वेब, जैसे ग्रास डिपेंड ऑन द कैटरपिलर, जो कैटरपिलर है वो ग्रास के हुए है, फिर बर्ड, देन बिग फिश। अगर फूड वेब वो बोलते हैं जैसे ए बी को खा, बी ए को खा रहा है, सी बी को खा रहा है, डी सी को खा रहा है, ई डी को, लेकिन जो ई है वो सी को भी खाएगा, इंटरेक्शन, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फूड वेब। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो सबसे टॉप लेयर में आते हैं, इसका एग्जाम्पल है ट्री, फ्री श्रब्स फॉरेस्ट में आते हैं ट्री, उसके पास सब सब, सेकेंड में ग्रास, बॉटम में, ठीक है। अब जो इकोसिस्टम का है वो फोर टाइप्स का है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है।
प्रोडक्टिविटी में क्या है, पॉन्ड्स में प्लांट्स एनिमल्स प्रेजेंट रहते हैं, जूप्लैंकटन फाइटोप्लैंकटॉन्स, ठीक है, जो जूप्लैंकटॉन्स फाइटोप्लैंकटॉन्स और द प्रोडक्टिविटी ये कंज्यूम करता है एनिमल्स से। अब डीकम्पोजिशन में क्या है कि प्लांट एनिमल डेड हो जाएंगे, डेड होने के बाद वो नीचे चले जाएंगे, तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए हमको डीकम्पोजर का जरूरत पड़ेगा। जो डीकम्पोजर है वो है बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। और एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो कैसे होगा, जैसे जूप्लैंकटॉन्स फाइटोप्लैंकटॉन्स को खा रहा है, फिश बिग फिश को खा रहा है, बिग फिश फिश को खा रहा है, इससे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, इससे क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है। मिनरल न्यूट्रिशन साइकिल, मिनरल या न्यूट्रिएंट साइकिल। अब क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण न्यूट्रिएंट साइकिल होता है। आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।